अगर आप महाराष्ट्र से हैं और नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि महाराष्ट्र में रहकर अपना नेम चेंज या नेम करेक्शन आप कैसे करवा सकते हैं। नेम चेंज करवाने के लिए सबसे पहले आपको एक सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन बनवाना होगा। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप बहुत इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के अपने डॉक्यूमेंट्स पर अपना नेम चेंज या नेम करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में, आपके पैन कार्ड में या फिर मेल आईडी में, आपके वोटर आईडी कार्ड में या फिर आपके पासपोर्ट में या बर्थ सर्टिफिकेट या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में, अदर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नेम के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नेम में लाइक सरनेम नहीं है, सरनेम ऐड करवाना हो, सरनेम रिमूव करवाना हो या मिडिल नेम ऐड करवाना हो, मिडिल नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, किसी भी तरीके की अगर कोई भी मिस्टेक है आपके नेम में, आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आप सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन की मदद से बहुत इजीली उसमें बिना किसी प्रॉब्लम के चेंजेस और करेक्शन आप करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गजट नोटिफिकेशन क्या होता है। गजट नोटिफिकेशन एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट एक सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होता है जो आपका सेंट्रल लेवल पर पब्लिकेशन होता है और आपका ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है एंड हर एक डिपार्टमेंट के लिए वैलिड होता है और हर एक डॉक्यूमेंट के लिए वैलिड होता है। तो आइए जानते हैं गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका क्या प्रोसेसर होना चाहिए। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए हमें सबसे पहले एक एफिडेविट बनवाना होता है जिसमें मेंशन होती है आपकी खुद की डिटेल्स, आपका सही नाम, आपका गलत नाम और आपका एड्रेस। दूसरा, दो न्यूज़पेपर में एड पब्लिकेशन होती है, वन लोकल एंड वन नेशनल। आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट का एड्रेस होता है उस स्टेट के अकॉर्डिंग दो न्यूज़पेपर में एड पब्लिकेशन होता है, वन लोकल एंड वन नेशनल। तीसरा, एक डिजिटल सीडी रेडी करवाई जाती है। जैसे आप ये थ्री स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपने अपनी फाइल के साथ अपनी आईडीज़ को लगाना है और फ्रंट पेज पे दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाकर उस पर सिग्नेचर करके आपको अपनी फाइल को रेडी करके गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करवानी है। गवर्नमेंट ऑफिस की साइड से कुछ समय बाद जैसे सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन आपको मिलता है, उस सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन में अपने नेम को सर्च करके एंड हाईलाइट करके सिग्नेचर उसमें करके आप उसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स में अपना नेम और नेम अपडेट करवा सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।